नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं शास्त्री जी, जो हमें बताएंगे कि अच्छा जीवन कैसे जिए ताकि हम हेल्थ रह सकें। देखिए, कोरोना की 1, 2, 3 लहर में काफ़ी लुढ़क गए और हम नहीं चाहते कि किसी भी परिवार में कोई समस्या आए। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर डुपर इंडिया हेल्दी, हेल्थ की बात ही करते हैं। सर, अपना शुभ नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम चमन शास्त्री है और मेरा कहना सबको संदेश ये है कि सुबह एक तो नियमित कम से कम 5 बजे प्रातःकालीन उठना चाहिए। उठ करके गर्म पानी पिए। गर्म पानी आजकल लोग चाहते हैं कि जो है ना, गर्म पानी की जगह चाय पी लें। चाय तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, चाय का बहुत नुकसान है हमारे शरीर के लिए। सुबह गर्म पानी, नींबू पानी उसमें मिला सकते हैं और शहद का पानी अगर हो तो बहुत अच्छा है। शहद और नींबू पानी एक साथ जो है इसको पिए। उसके साथ फ्रेश होने के बाद में फिर योगा करना, सुबह वॉकिंग करना, प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहने के लिए आपको अच्छा नाश्ता, अच्छे नाश्ते में ब्रेड उस तरह की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, बल्कि आप जो है चना या कोई इस तरह की चीज़ें जो है, कोई फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, उस तरह का जो है दूध, उस तरह का नाश्ते में प्रयोग करना चाहिए। शास्त्री, जैसे कहते हैं कि हम उठते हैं तो हमारे लीवर में ऑलरेडी एसिड होता है और चाय खुद एक एसिड है, चाय का कोई भी गुण नहीं है, ये तो अंग्रेज हमें शराब दे के चले गए। तो चाय कितना नुकसान पहुंचाती है इसके बारे में बता दीजिए। बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसके अंदर जो निकोटीन है वो नशा पैदा करता है, एक तरह का नशा है। समझो हम जो सुबह अगर चाय ले रहे हैं तो हम समझे एक छोटा स्टीलो पॉइजन ले रहे हैं, समझो एक तरह का वो नशा है। उस नशे को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, उसको लेना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। जैसे सर, ईश्वर ने आपको शक्ति दी है, आप 95 से 25 सालों से समाज की सेवा कर रहे हैं, जो आप लोगों के नेत्र को लाभ देते हैं, लोगों के चश्मे उतारते हैं, उसके बारे में कुछ ज्ञान दीजिए। बड़े भाई हमारे अमन सिंह शास्त्री केवल जो है चश्मा मुक्ति शिविर लगाते हैं और उस चश्मा मुक्ति शिविर में जो ऑल ओवर इंडिया क्या वर्ल्ड में कोई नहीं कहता कि यह चश्मा उतारा जा सकता है। वो 10 दिन में 3 से 4 नंबर का चश्मा, केवल 2 घंटे सुबह की क्लास और 2 घंटे शाम की क्लास वो करते हैं और चश्मा 3 से 4 नंबर तक का उतर जाता है। ये क्लासें अभी होती हैं सर? ये क्लासें अभी भी होती हैं। आजकल उन्होंने जो है ना उर्काजी के पास बसेडा 2 में गुरुकुल बनाया CBSE पैटर्न पर। ओके, वहाँ पे जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं आजकल आधुनिक शिक्षा प्लस हमारी वैदिक शिक्षा वो समावेश करके एक साथ गुरुकुल चला रहे हैं। और वो लगातार जब भी जैसे मौका मिलता है मई के लास्ट में और जून में कंटिन्यू, जहाँ बच्चों की छुट्टी होती है, स्कूल की छुट्टी हो जाती है, वहाँ कंटिन्यू लगातार 10-10 दिन का कैंप लगाते हैं आँखों का और वो गारंटी के साथ 3 से 4 नंबर का चश्मा उतारते हैं। जैसे सर, हमारा डेवलपिंग कंट्री है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो चश्मा उतारने के लिए क्या खर्चा आ जाता है, जैसे रुकना पड़ेगा? चश्मा उतारने के लिए हमारे अगर पास आते हैं तो निःशुल्क चश्मा उतारते हैं। अच्छा, उसका कोई चार्ज हम नहीं लेते। अच्छा, उसका कोई चार्ज नहीं है, सेवा है समाज की, केवल समाज की फ्री सेवा है। अच्छा, उसमें कितने दिन कैंप में रहना पड़ता है आदमी को? 10 दिन का हम लोगों का कैंप होता है। खाना पीना? आचार्य नहीं, उसमें जो है ना 2 घंटे सुबह 2 घंटे से अप डाउन। अच्छा, खाना पीने की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी, रहने की खुद करनी पड़ेगी, व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी। अच्छा, हालांकि B2 ग्रेटर नोएडा में हम ये व्यवस्था भी करने जा रहे हैं कि जो लोग बाहर से आते हैं उनको हम जो है ना ये सुविधा दे सकते हैं कि वो रह सकता है हमारे पास, खाने की व्यवस्था हम दे सकेंगे। अच्छा, ईश्वर की कृपा से ये दिन जल्दी आए, B2 में ये कैंप शुरू हो, हम दर्शकों को कह सकते हैं कि 2022 के एंड तक शुरू हो जाएंगे। 2022 के एंड से पहले शुरू कर देंगे। हाँ जी, चलिए। और सर, गुरुकुल जो बसेड़ा 2 मुजफ्फरनगर में है, हाँ जी, वहाँ आवासीय कैंप इस बार हो सकता है कि मई में पूरा खाना पीना रहना सहना सब कुछ वहाँ पे हो, सब कुछ हो जाए। हाँ, संभव है। और कोई आपके पास नंबर हो तो आप नंबर भी दे सकते हैं ताकि लोग जिन्हें जरूरत है चश्मा उतारने की आपसे संपर्क कर सकें। चश्मा मुक्ति शिविर के लिए आचार्य अमन सिंह शास्त्री का नंबर नोट करिए, 9818 9818 3990 3990 47 47। तो ये फोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं चश्मा उतारने के लिए और कैंप में अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। हाँ जी, हाँ। अच्छा सर, बस आप जाते थे ये भी बता दीजिए, सुबह का आपने बता दिया कि चाय ना पियो, गर्म पानी पियो, पेट साफ हो जाएगा। दोपहर और शाम को क्या खाएं? दोपहर में बढ़िया जो है छाछ होनी चाहिए आपके खाने में, दही होनी चाहिए। शाम को हल्का भोजन लें, अगर आपको 3 रोटी खानी है तो 2 रोटी खाएं। रात को सोते समय दूध का जरूर प्रयोग करना चाहिए, उसमें थोड़ा सा हल्का गुड़ भी लें और दूध जरूर प्रयोग करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, आपने बहुत कीमती समय दिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। ओके, धन्यवाद।